शिवसेना आगू सुधीर सूरी के संस्कार को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शनिवार को परिवार और प्रशासन की सूरी के संस्कार को लेकर सहमति बन गई सी, जिसके चलते 12 बजे सूरी के संस्कार किया जाना सी। इस दरमियान सूरी के परिवार और समर्थकों ने उन्होंने संस्कार तो यह कहिंदया इनकार कर दिता कि जदों तक पुलिस और प्रशासन वालों नज़रबंद किए गए शिवसेना आगुआ रिहा नहीं किया जाता उदों तक सुधीर सूरी का संस्कार नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रशासन वालों परिवार की यह मन भी प्रवान कर ली गई, जिस तो बाद परिवार ने सूरी के संस्कार लिए फिर सहमति दे दी। परिवार का कहना है कि पुलिस ने पंजाब के वक्-वक् हिस्सों में शिवसेना आगुआ और सूरी के समर्थकों को नज़रबंद किया होया। पहला उन्होंने रिहा किया जाए, फिर सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुधीर सूरी कतलकांड तो बाद सूरी की मृतक देह के पोस्टमार्टम को लेकर रेलवे ट्रैक जाम करने तक माहौल तनावपूर्ण बन रहा, पर डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन वालों शाम 5 बजे तो बाद सूरी परिवार उन्होंने घर में बैठक की गई। डीसी ने संस्कार वालों भरोसा दिता कि सुधीर सूरी को शहीद का दर्जा दवाने लिए प्रशासन हर संभव यतन करेगा। सूरी के परिवारक मैंबरों को नौकरी दवाने लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस दे नाल ही पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह वालों सूरी परिवार को सुरक्षा यकीनी बनाने का भरोसा दिता गया अते इस कतल विच अमृतपाल सिंह का नाम शामिल करने की सहमति दी गई है। लिखती तौर पर भरोसा मिलने तो बाद सूरी परिवार संस्कार करने लिए राजी हो गया, पर सूरज डुबण कारण एतवार को 12 बजे का समा रखा गया सी।